दोस्तों वो तीन प्रश्न जिनके उत्तर अगर आपको मिल गए तो आप किसी भी परिस्थिति में BITV का दिल्ली में जो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स ग्लोबल समिट होने जा रहा है वो आप मिस नहीं करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो वो तीन प्रश्न क्या है और उनके उत्तर क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि दिल्ली इवेंट क्या है। दिल्ली में जो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इस ग्लोबल समिट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उच्च स्तर का व्यक्ति एज ए स्पीकर आ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का उच्च स्तर का व्यक्ति, सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति यहां पे एज ए स्पीकर आ रहा है। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति एज ए स्पीकर आ रहा है। नहीं सिर्फ इतना बल्कि विदेश का एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वो एज ए स्पीकर आ रहा है। नहीं सिर्फ इतना बल्कि इंप्लॉय कम्युनिटी के फाइनेंशियल इंडस्ट्री का भी सक्सेसफुल व्यक्ति एज ए स्पीकर आ रहे हैं। यूनियन म्यूचुअल फंड कंपनी का CEO एज ए स्पीकर आ रहा है। विदेश की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के उच्च पद पर बैठा व्यक्ति, बहुत ज्यादा कामयाब व्यक्ति एज ए स्पीकर आ रहा है। दोस्तों इतने कामयाब व्यक्ति जब एज ए स्पीकर आते हैं तो इनके साथ में नेटवर्क करने का मौका मिलता है, इनके साथ में बातचीत करने का, इनको जानने का, इनको समझने का मौका मिलता है। तो दिल्ली इवेंट ये एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है। इसके अलावा यहां पर जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति आ रहे हैं, अगर आप इन लोगों को एनालाइज करोगे जो कि मैंने किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि जब ये कामयाब नहीं थे उस वक्त इनके पास वो सारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे जो आज की तारीख में मेरे पास है। इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद इन्होंने आज इतनी बड़ी तरक्की को हासिल किया है, तो मेरे से कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद इस तरीके को हासिल किया तो मेरे पास तो उनसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैं उस कामयाबी को क्यों नहीं हासिल कर सकता। ये भावना उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरे मन में आएगी, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल भावना है। तो ये जो दिल्ली का फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट है ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। इसके अलावा दिल्ली में जो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट है, इसमें ये जो स्पीकर्स आने वाले हैं, इन स्पीकर्स को हमने जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक ये है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कि एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइजर के जहन में ही नहीं है, जिन बातों के द्वारा एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। वो बातें जो हमारे जहन में ही नहीं है, इन बातों को यहां पर उजागर करना ये इस प्रोग्राम का, ये इस इवेंट का टॉपिक है। तो जरा सोचिए कि ऐसी बातों की जानकारी जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलेगी तो कितनी ज्यादा तरक्की होगी, कितना ज्यादा ग्रोथ यहां पर आने वाला पार्टिसिपेंट कर सकता है। तो ये एक लर्निंग प्रोग्राम है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि ये दिल्ली का प्रोग्राम है क्या, तो ये एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और ये एक लर्निंग प्रोग्राम है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि दिल्ली इवेंट क्या है। दूसरा प्रश्न एक पार्टिसिपेंट के मन में आता है कि ये जो प्रोग्राम है दिल्ली का, ये जो प्रोग्राम है ये किस प्रकार से दूसरे होने वाले प्रोग्राम से भिन्न है, दूसरे होने वाले प्रोग्राम से बहुत ज्यादा अलग है। तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी थाली में हर प्रकार के विटामिन के व्यंजन होने चाहिए, उसमें रोटी भी होनी चाहिए, भाजी भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, छाछ भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए, नींबू भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। ये सब हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अपनी थाली में लेने के लिए क्यों सोचते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारे शरीर को हर प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन्स मिले इसीलिए हम अपनी थाली में हर चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि वो व्यक्ति जो बहुत हेल्दी है लेकिन उसके शरीर में किसी एक विटामिन की कमी से वो कमज़ोर हो गया, वो बीमार पड़ गया, यानी कि हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन की इक्विवेलेंट मात्रा में जरूरत है। उसी प्रकार से जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में भी हर प्रकार के नॉलेज की हमें जरूरत होती है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो दिल्ली में जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं,
इस प्रोग्राम में हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सक्सेसफुल व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुलाया, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुलाया, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुलाया, विदेश के सक्सेसफुल इंटरनेशनल को इंटरनेशनल एडवाइजर को एज ए स्पीकर बुलाया। नहीं सिर्फ इतना बल्कि इम्प्लॉय कम्युनिटी के उच्च स्तर के व्यक्तियों को भी एज ए स्पीकर बुलाया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सीईओ को बुलाया, विदेश की इन्वेस्टमेंट कंपनी के उच्च स्तर के व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुलाया। कितने प्रकार के डिफरेंट नॉलेज को हमने एक ही प्रोग्राम में सम्मिलित किया है। और यही वो वजह है कि दिल्ली में जो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट होने जा रहा है वो दूसरे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा भिन्न है। और तीसरा प्रश्न जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर के दिमाग में आता है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम में अपना समय इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बदले में मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, व्हाट इज माय जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखिए इसका उत्तर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ में अपना समय दे रहा है या पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके दिमाग में उसे पता है कि ये जो मैंने समय इन्वेस्ट किया है, ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके पीछे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या रिटर्न मिलने वाला है, ये उसे जानकारी है। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर चाहे वो पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, फिर चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन यहाँ पर दिल्ली इवेंट से हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये जानने से पहले मुझे ये समझना होगा कि जो भी रिटर्न, जो भी फ़ायदा हम पाना चाहते हैं वो हम बुद्धि से नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का तो ये काम ही नहीं है। और इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बता सकता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि कई सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, और कई सारे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि का रिटर्न से, फायदे से, प्रॉस्पेरिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। बुद्धि का तो काम हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर सही कर लिया तो बदले में हमें बहुत रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ सही हुआ, रिटर्न आया, फायदा आया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि का तो ये काम ही नहीं है। तो अब रिटर्न लेना, फायदा कमाना, प्रॉस्पेरिटी पाना, ये किसका काम है? तो ये हमारी बुद्धि का काम नहीं, ये हमारे शरीर का काम है। शरीर के द्वारा हम रिटर्न कमाते हैं, हम फायदा कमाते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी कमाते हैं। तो वो कैसे? देखिए हमारा जो शरीर है ये एक प्रकार का मैग्नेट है, और ये हर वक्त हमारे अगल बगल के लोगों की ऊर्जा को खींचता रहता है। उनकी जो प्रॉस्पेरिटी लेवल है, उनके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है, उसे खींचता रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं उन्हीं के एवरेज हम होते हैं। अगर वो अमीर है तो हम अमीर हैं, अगर वो गरीब है तो हम गरीब हैं। जिन लोगों के साथ में हम रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत, इस प्रकार के कई डायलॉग्स हमने सुने हैं। और ये सच है, ये 100% सत्य है। हमारा शरीर ही है जो हमें रिटर्न दिलाने का काम करता है, हमें प्रॉस्पेरिटी दिलाने का काम करता है, हमारे फायदे, क्योंकि ये एक चुंबक है और हर वक्त अपने अगल बगल के लोगों की ऊर्जा को, प्रॉस्पेरिटी को, नेगेटिव ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को खींचते रहता है। और अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो दोस्तों दिल्ली में जो इवेंट होने जा रहा है, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इस ग्लोबल समिट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं एज ए स्पीकर जो कि 1,600 करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM मैनेज करते हैं, और आने वाले 2 साल में रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीदने वाले हैं, जिनका नाम मिस्टर गजेंद्र कोठारी है। जरा सोचिए ऐसे व्यक्ति के बगल में जाने का मुझे मौका मिल रहा है जो कि रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीदने वाला है, 1,600 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM मैनेज करता है। ऐसे व्यक्ति के बगल में मैं जाता हूँ, कितनी प्रॉस्पेरिटी उसकी एब्जॉर्ब करूँगा, कितनी ऊर्जा उसकी खींच लूँगा। इसके अलावा दुबई से जो मिस्टर अशोक सरदाना एज ए स्पीकर आने वाले हैं, दोस्तों उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रोजगार की तलाश में वो दुबई में लेबर जॉब के लिए गए थे। और जब वहाँ पर वो लेबर जॉब कर रहे थे तो किसी ने उन्हें इंश्योरेंस की एजेंसी दे दी,
इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया एज ए इंश्योरेंस एजेंट, इतनी शिद्दत से काम किया एज ए इंश्योरेंस एजेंट कि आज की तारीख में 300 लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं। नहीं सिर्फ इतना बल्कि दुनिया के 5 देशों में अशोक सरदाना जी के ऑफिस है। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के बगल में आने का मुझे मौका मिलता है तो कितनी ऊर्जा उनकी खींच के लेके जाऊंगा, किस प्रकार की प्रॉस्पेरिटी मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हम जिस जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, हमारे अगल बगल के जो लोग हैं उनकी ऊर्जा कम है। मैं चाहे कितनी भी बुद्धि क्यों ना अपने पास में रखूं, कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लेकिन क्योंकि उनकी ऊर्जा कम है मेरे अगल बगल के लोगों की, तो मैं बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता हूं। और इसीलिए मुझे इस प्रकार के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो ज़रा सोचिए कि इतनी ज़्यादा ऊर्जा वाले व्यक्तियों के पास ऐसे और 6-7 स्पीकर वहाँ पे आने वाले हैं जो इसी प्रकार की ऊर्जा को मेंटेन करते हैं, इसी प्रकार की सक्सेस को उन्होंने हासिल किया है। अगर ऐसे लोगों के बगल में मैं जाऊँगा तो कितनी ऊर्जा लेके आऊँगा, कितनी प्रॉस्पेरिटी लेके आऊँगा, अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि आपको 50% रिटर्न मिलेगा या 100% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये रिटर्न तो अनलिमिटेड है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा लेने का मुझे मौका इस प्रोग्राम में मिलता है। दोस्तों, ये 3 प्रश्न के उत्तर ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस दिल्ली इवेंट को अटेंड करने के लिए, इस फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र ग्लोबल समिट को अटेंड करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार के ग्लोबल इवेंट बार बार भारत देश में नहीं होते हैं। ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए मुझे विदेशों में जाना पड़ता है और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत लंबा समय देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पैसा भी बहुत कम खर्च करना है, समय भी बहुत कम खर्च करना है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को, इंश्योरेंस एडवाइज़र को इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है। अगर आप इस दिल्ली इवेंट को, इस दिल्ली समिट को अटेंड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा है, जिसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के अर्ली बर्ड ऑफर हमारे पास में है और किस प्रकार के गिफ्ट्स हमारे पास में हैं आपको देने के लिए, अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो अर्ली बर्ड ऑफर के लिए और गिफ्ट्स को पाने के लिए आप जो है, जो कि लिमिटेड लोगों के लिए है, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आइएगा। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और स्पेशल धन्यवाद मैं आपको इसके लिए करूँगा क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।